हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। दिस इज एके डॉट केमिस्ट्री क्लासेज। मैंने कल तुम लोगों को पढ़ाया था एसिड हैलाइड और उसके डेरिवेटिव्स रिगार्डिंग देयर एसएन रिएक्शन। उसमें एक पॉइंट है, वो दैट इज कंप्लीटली पॉइंट ऑफ व्यू से आता है मैकेनिज्म। इसकी मैकेनिज्म कैसे होती है, क्लियर? आप लोग कॉपी निकालिए, सब लोग नोट तैयार कीजिए, लिखिए मैकेनिज्म। मैकेनिज्म ऑफ एसएन रिएक्शन ऑफ एसिड क्लोराइड एंड अदर एसिड डेरिवेटिव। होता यह है कि जिसे सी डबल बॉन्ड ओ सी एल इसे सी एच थ्री एसिड हैलाइड, इस पे न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा बाय द इंडक्टिव इफेक्ट ड्यू टू द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट दिस पाई इलेक्ट्रॉन विल गो ऑन ऑक्सीजन एंड दिस सी एच थ्री सी ओ माइनस। यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल चला आएगा, फिर ये ऐसे होगा, रिटर्न होगा ये सी एच थ्री सी डबल बॉन्ड ओ न्यूक्लियोफाइल आ जाएगा। इट इज ए बायमॉलिक्यूलर, बायमॉलिक्यूलर रिएक्शन। इट इज ए स्लो स्टेप रेट सी एच थ्री सी डबल बॉन्ड ओ सी एल प्लस न्यूक्लियोफाइल पे इसका रेट डिपेंड करेगा। इट इज ए सब्स्टिट्यूशन एलिमिनेशन रिएक्शन, दोनों इसमें होता है। और इट फॉर्म्स टेट्राहेड्रल ट्रांजिशन स्टेट और टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट। इस पर क्वेश्चन आया था आईआईटी में, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज टेट्राहेड्रल टेट्राहेड्रल ट्रांजिशन टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट। ये क्वेश्चन आईआईटी में आया था। ऑप्शन है सी सिक्स एच फाइव सी डबल वन ओ सी सिक्स एच फाइव सी एच टू बी आर सी एच थ्री सी डबल वन ओ सी एल सी
CH3 HBr. Naturally, this carbonyl compound B gets tetrahedral intermediary. So answer is B. इसके अलावे कुछ और क्वेश्चंस हैं. Which compound will give Wharton inversion in SN2? Test. You know Wharton inversion is given in SN2 reaction. SN2 में inversion होगा. It means it must have chiral carbon. So answer is B. B has chiral carbon. This is C. Here is CH3 HD. This is Br. It will have Wharton inversion. बताया गया था बैक साइड से अपोजिट साइड से न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा और इट विल हैव एन इनवर्टेड कॉन्फ़िगरेशन और इनवर्टेड फ्यूजन. क्लियर? इसे बतलाना है कि हाइब्रिडाइजेशन किसका ज्यादा होगा फास्ट, मतलब रेट. समूह में कार्बोनाइल कार्बन है, ये क्या होगा कि समूह में जैसे ये है ड्यू टू एरोमेटिक इफेक्ट, ये कार्बन इट विल हैव प्लस चार्ज Cl. इसका प्रिंसिपल है कि दिस पॉजिटिव कार्बन जितना ज्यादा स्टेबल होगा रिएक्टिविटी उतनी ही घटेगी. जितना ज्यादा, नोट कीजिए प्रिंसिपल, ग्रेटर इज द स्टेबिलिटी स्टेबिलिटी ऑफ पोलर, मतलब मीन्स पॉजिटिव कार्बन, ग्रेटर इज द स्टेबिलिटी ऑफ पोलर पॉजिटिव कार्बन, लेसर इज द रिएक्टिविटी. लेसर इज द रिएक्टिविटी. क्लियर? इसमें जो नाइट्रो है जैसे माइनस आर इफेक्ट ग्रुप, जैसे माइनस आर इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर विड्रॉ कर रहा है, खींच रहा है. खींचने से क्योंकि भी लिस्ट स्टेबल, पहले से पॉजिटिव था और इसकी पॉजिटिविटी बढ़ जाएगी, इसलिए स्टेबिलिटी इसकी सबसे कम इसकी स्टेबिलिटी होगी. इस रिटमी भी मोस्ट रिएक्टिव, तो रिएक्टिविटी वैरी करेगा सबसे ज्यादा बी. क्लियर? उसके बाद ये डोनेट करता है बाय प्लस आर इफेक्ट और प्लस एन इफेक्ट. उसके बाद ए, इसमें दिस इज प्लस एन इफेक्ट, दिस इज ऑल्सो प्लस एन इफेक्ट, लेकिन प्लस एन जो एक्टिविटी है प्लस एन इफेक्ट इसका ज्यादा होता है. बिकॉज पढ़ाया गया होगा आर ओ ज्यादा होता है आर से, तो ये ज्यादा यहां इसकी पॉजिटिविटी को और ये कम कर देगा, रिएक्टिविटी इसकी इसको वो स्टेबलाइज कर देगा ज्यादा. इसके कंपैरिजन में ड्यू टू ग्रेटर प्लस एम इफेक्ट दिस प्लस कार्बन विल बी मोर स्टेबलाइज्ड देन सी.
C then D. तो सबसे ज्यादा रिएक्टिविटी B की होगी, तब A की होगी, तब C की होगी, तब D की होगी. हाइड्रोलाइसिस भी इसी तरह वेरी करेगा. इट विल बी मोर रेडीली, मोस्ट रेडीली हाइड्रोलाइज एंड इट विल बी लिस्ट रेडीली हाइड्रोलाइज. समझ गए? गॉट द पॉइंट? इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि ग्रेटर इज द स्टेबिलिटी ऑफ द कार्बोनाइल कार्बन, लेसर इज द रिएक्टिविटी. क्लियर? इसी में अगर यहाँ पे सीएल कर देता या बीआर कर दे, आई कर दे, तो पल बताया गया है डिपेंड करेगा लिविंग ग्रुप पे, बिकॉज आई आयोडाइड इज बेस्ट लिविंग ग्रुप, दैट विल बी मोस्ट रिएक्टिव. क्लियर? तो कार्बोनाइल कार्बन का जो रिएक्टिविटी है वो डिपेंड करता है नेचर ऑफ द लिविंग ग्रुप, नेचर ऑफ द आर और एराइल ग्रुप, नेचर ऑफ द एलो अदर सब्स्टिट्यूएंट ऑन द बेंजीन रिंग. क्लियर? ओके, आज इतना हुआ. कल फिर और देंगे कुछ क्वेश्चंस, दो तीन चार पांच क्वेश्चन देंगे. कॉम्पिटिटिव क्वेश्चंस है, इसलिए इसलिए दिया जा रहा है कि तुमको आइडिया होगा कि कैसा क्वेश्चन पूछा जाता है एंड हाउ टू प्रिपेयर. ओके.